एग्जिट पोल देख मोदी शाह के उड़े होश। मोदी नहीं बन पाएंगे तीसरी बार पीएम। बीजेपी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल गोलमोल है। इन्हें देखकर बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेच फंसा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। ऐसे में 3 दिसंबर को असल नतीजे आने का इंतजार करना होगा। ये नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की ओर भी इशारा करेंगे। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने पीएम मोदी को क्या क्या संकेत दिए हैं और कैसे इसके नतीजे पीएम मोदी के लिए वार्निंग है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्टनर्स के साथ मजबूत करने होंगे रिश्ते। बेशक उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस उसके पीछे तेजी से आ रही है। जो जमीन उसने खोई थी वह उसे वापस हासिल कर रही है। बीजेपी को अगले साल केंद्र की सत्ता में आने के लिए पुराने सहयोगियों की तरफ देखना होगा। सिर्फ पुराने दोस्त ही नहीं, उसे नए दोस्त भी जोड़ने होंगे। वह इस मोर्चे पर कमजोर रही है। इसके उलट कई बड़े दल कांग्रेस की अगुवाई को स्वीकार करते दिख रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस का अच्छा या ठीक ठाक प्रदर्शन भी कांग्रेस का आकर्षण बढ़ाएगा। दक्षिण में लगाना होगा जोर। उत्तर भारत के उलट दक्षिण में बीजेपी की तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखती है। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी दक्षिण में अपनी पोजीशन मजबूत करने में नाकाम रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना तक में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं दिखता। इसके उलट धीरे धीरे दक्षिण में कांग्रेस मजबूती के साथ उभर रही है। टीम बीजेपी को गुटबाजी से बचाने की चुनौती। अन्य दलों की तरह बीजेपी में भी गुटबाजी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान चुनाव को ही लेते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके खेमे ने पार्टी में खलबली मचा कर रखी है। पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं में आलाकमान को लेकर नाराजगी है। उन्हें लगता है कि पुराने नेताओं को छांट छांट कर बाहर या नजरअंदाज किया जा रहा है। इसने पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दिया है। सिर्फ मोदी ही मोदी से निकलना होगा बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। यह भी कह सकते हैं कि वह पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरे नेता भी सिर्फ पीएम के नाम पर ही वोट मांगते हैं। इस तरह उन्हें सिर्फ टिकट मिलने का इंतजार होता है। पिछले कुछ सालों में यही ट्रेंड रहा है। पीएम बेशक पार्टी के अन्य नेताओं के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पीएम मोदी के परफॉर्मेंस पर वोट नहीं दिया जा सकता। पार्टी के दूसरे नेताओं को भी जोर लगाना होगा।